हेलो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वो अपने माता पिता से ज़्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसकी दादी गांव के दूसरी ओर रहती थी, जो कि जंगल से होकर निकलता था। छोटी बच्ची की दादी ने उसे एक बार लाल रंग का एक हुड तोहफे में दिया था, जिसे वो हमेशा पहनी रहती थी। इस कारण लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड यानी नन्ही लाल चुन्नी के नाम से बुलाते थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। वह ज़्यादातर समय वहाँ रहती थी और फिर अपने घर चली आती थी। दादी भी लिटिल राइडिंग हुड को बहुत पसंद करती थी। एक बार लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस वजह से वह उससे ज़्यादा नहीं मिल पाती थी। उसे इस बात का बहुत दुख था। तभी उसे पता चला कि उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाइयाँ लेकर जा रही है। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास पहुँची और पूछा, माँ, आप ये भोजन और दवाइयाँ किसके लिए लेकर जा रही हो? इस पर लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने कहा, बेटा, मैं ये भोजन और दवाइयाँ तुम्हारी दादी के लिए लेकर जा रही हूँ। यह सुनकर लिटिल रेड हुड खुश हो गई और माँ से कहने लगी कि क्या मैं ये भोजन और दवाइयाँ दादी के लिए लेकर जाऊँ? मुझे उनसे मिलना है। लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ राजी हो गई और उसे भोजन और दवाइयाँ की थैली देकर कहने लगी, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करना। यह सुनकर लिटिल हुड ने कहा, ठीक है माँ, मैं सीधे दादी माँ के घर ही जाऊंगी। इतना कहकर छोटी बच्ची ने अपनी दादी का दिया हुआ हुड पहना और माँ को बाय बाय बोलकर जंगल के उस पार के गांव में जाने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ते चली गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही उसके टोकरी से निकलने वाली खुशबू ने एक सो रहे भेड़ियों को जगा दिया। भेड़िया की नज़र उस छोटी बच्ची पर पड़ी। उसे देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा, अरे वाह, एक नन्हा शिकार, लेकिन यह जा किस तरह पर रही है? भेड़िया तुरंत लिटिल हुड के पास पहुंचा और कहा, कैसी हो प्यारी बच्ची, क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चखने के लिए दोगी? भेड़िया का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई, लेकिन फिर डरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये भोजन आपको नहीं दे सकती, या मैं अपनी बीमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ जो अकेले रहती है। इसके बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने थोड़ा सोचा और अपनी थैली से एक सेब निकालकर भेड़िया को देते हुए कहा, आप ये खा लीजिए। भेड़िया ने लिटिल रेड राइडिंग हुड के हाथ से सेब ले लिया और मन ही मन सोचने लगा, वह इसकी दादी भी अकेली रहती है तो पहले इसकी दादी को ही निगलता हूँ और बाद में इसे, लेकिन तब तक इसे रोक कर रखना होगा। इसके बाद भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड से कहा, अरे सुनो, ज़रा रुको और मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम्हारी बीमार दादी माँ कैसे ठीक हो सकती है। यह सुनकर छोटी बच्ची खुश हो गई और भेड़िए से कहने लगी, सच में, पर कैसे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह जल्दी कैसे ठीक होगी? इस पर भेड़िया ने कहा,
हाँ, मैं तुम्हें वो तरीका जरूर बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़नी होगी। इन स्ट्रॉबेरी में जादुई शक्तियाँ हैं, जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएगी। भेड़िए की बात सुनकर लिटिल हुड ने कहा, अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाकर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ले लेती हूँ। इतना कहकर लिटिल हुड स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गई। दूसरी तरफ चालाक भेड़िया ने योजना बनाई कि पहले दादी माँ के घर चलते हैं। दरअसल भेड़िया ने यह अच्छे से सोच लिया था कि वह सबसे पहले दादी माँ को और फिर नन्ही लिटिल हुड को निगलेगा। इसके बाद भेड़िया दादी माँ के घर की ओर चल पड़ा। दादी के घर पहुँच कर भेड़िया ने देखा कि वह पलंग पर आराम से सो रही है। वह जैसे ही घर में घुसा, दादी माँ जाग गई और भेड़िए को देख कर चौंक गई। उसने भेड़िया से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर भेड़िया ने कहा, तुम्हें और तुम्हारे पति को खाने। इसके बाद दादी माँ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया नहीं माना और वह दादी माँ को निगल गया। इधर लिटिल राइडिंग हुड स्ट्रॉबेरी लेकर गाना गुनगुनाते हुए दादी के पास घर पहुँची। वहाँ पहुँचते ही उसने गेट खटखटाया और कहा, दादी मैं आ गई, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ। तभी घर के अंदर से आवाज़ आती है, मेरी बच्ची दरवाज़ा खुला है, तुम सीधे घर में आ जाओ। यह आवाज़ सुनकर लिटिल हुड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल उसे अपनी दादी की आवाज़ बदली हुई लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज़ बदल गई होगी। फिर उसने गेट खोला और घर में घुस गई। यहाँ उसने देखा कि कमरे में पूरा अंधेरा था। वह अपनी दादी को आवाज़ लगाने लगी, दादी दादी आप कहाँ हो और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है। इस पर कमरे से आवाज़ आई, अरे मेरी बच्ची, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस वजह से मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। यह सुनकर लिटिल रेड अंदर आ गई। फिर उसने कहा, अच्छा लेकिन आपके कान इतने बड़े कैसे हो गए हैं, पहले तो ये ऐसे नहीं थे। इस पर फिर से भेड़िया ने कहा, अरे मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से सुन पाऊँ, इसलिए मैंने अपने कान बड़े करवा लिए हैं। इसके बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने फिर पूछा, तो दादी आपकी आंखें कैसे इतनी बड़ी हो गई। इस पर दादी ने कहा, बेटा वो इसलिए ताकि मुझे तुम्हें देखने में परेशानी ना हो। इसके बाद फिर से लिटिल हुड ने पूछा, अच्छा तो फिर ये हाथ ये क्यों इतने लंबे हो गए। इस पर दादी ने कहा, ये हाथ तुम्हें गले लगाने के लिए लंबे हुए हैं। फिर उसने पूछा, तो आपके दांत वो इतने लंबे कैसे हो गए। इस सवाल के जवाब पर भेड़िया उसके सामने आ गया और कहने लगा, ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। इतना कहते ही भेड़िया लिटिल राइडिंग हुड की तरफ कूद पड़ा और दादी की तरह उसे भी निगल गया। इसके बाद दुष्ट भेड़िया दादी की पलंग पर सो गया और जोर जोर से कर्राटे मारने लगा। तो दोस्तों, ये लिटिल रेड राइडिंग और दादी और पोती की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।
और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।